बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका सामने आया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वैकेंसी के जरिए कुल 286 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें आवेदन के लिए उम्मीदवारों को बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, इस वैकेंसी के माध्यम से बिहार के नगर विकास और आवास विभाग में भर्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन से वैकेंसी की पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। बीपीएससी की ओर से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 जनवरी 2022 से शुरू हो चुकी है। वहीं इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों के लिए अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 तक रखी गई है। हालांकि फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हुई है और ऐसे में जो उम्मीदवार इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं, वो वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो आइए अब आपको देते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल। तो आपको बता दें, बिहार में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जारी इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 286 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 115 सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा ओबीसी के लिए 34 सीटें, एससी के लिए 46, एसटी के लिए 3 सीटों पर भर्तियां होनी है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के लिए 28, BC महिला वर्ग में 9 और EBC के लिए 51 सीटें रखी गई हैं। आइए अब आपको बताते हैं इस वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास BSc डिग्री केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस, सिविल और पब्लिक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। वहीं उम्मीदवारों की उम्र 21 साल से अधिक और 37 साल से कम होनी चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। वहीं आरक्षण के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।